तो स्वागत है आज हमारे इस नए वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं योएल वैन के बारे में, जिनको मुंबई सिटी एफसी ने कम्प्लीटली साइन कर लिया है बिना किसी र्यूमर को क्रिएट किए। सो गाइस आपको बता दें, मुंबई सिटी एफसी के लिए ये न्यू अराइवल हैं योएल वैन। सो आइए इनके बारे में जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये खिलाड़ी मुंबई सिटी एफसी के लिए। सो इनकी एज की बात करें तो 30 इनकी एज है, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, डिफेंसिव मिडफील्ड इनकी मेन पोजीशन है। सो आइए गाइस इनके मेन क्लब्स के बारे में यानी मेन लीग्स के बारे में जान लेते हैं, जो इनको इम्पोर्टेंट यानी कितना ओवरऑल एक्सपीरियंस ये लेकर आते हैं मुंबई सिटी एफसी के लिए। सो सबसे पहले बात करें मेन लीग एरेडवाइस, जो आप जानते हो एरेडवाइस बहुत ही ज़्यादा मेन लीग है, एंड UECL क्वालिफायर्स एंड यूरोपा लीग क्वालिफाइंग। सो ये सारे मैंने मेन पिक किए हैं जो कि इनको इम्पोर्टेंट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वाला प्लेयर बनाते हैं। एंड इन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम नैदरलैंड में स्पेंड किया है, नैदरलैंड जैसे कि डच की लीग हो गई, उन सब में इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी भरपूर एक्सपीरियंस इनके पास है। ये सेंटर मिडफील्ड को संभाल सकते हैं, लेकिन इनकी मेन पोजीशन डिफेंसिव मिडफील्ड है। अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे रोस्टिन ग्रिप्सी से इनको कंपेयर किया जाए, तो रोस्टिन ग्रिप्सी एक तरीके से सेंटर बैक प्लेयर है मुंबई सिटी एफसी के, एंड ये डिफेंसिव मिडफील्ड में काम देंगे। सो इनकी हाइट की बात करें तो 1.80 मीटर इनकी हाइट है। तो ओवरऑल फिजिकल सिचुएशन की बात करें इनकी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। सो एक तरीके से मोटोडा फॉल की कमी ये मुंबई सिटी एफसी के लिए ज़रूर पूरी करेंगे। सो आई होप आपको ये प्लेयर ज़रूर पसंद आएंगे मुंबई सिटी एफसी के लिए। अकॉर्डिंग टू मी एक तरीके से मोटोडा फॉल की कमी ये ज़रूर पूरी कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय मुंबई सिटी एफसी के लिए।